दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है क्या इसे सोलर एनर्जी की मदद से चार्ज किया जा सकता है, यदि हाँ तो हमें कितने किलोवाट का यहाँ पर सोलर सिस्टम खरीदना पड़ेगा और कितनी बैटरीज यहाँ पर लगानी पड़ेगी, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज के समय में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज कर रहे हैं, लोगों की कोशिश होती है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल करने में हम भी कहीं ना कहीं जो हमारा योगदान है वो देवें, लेकिन क्या ये चीज़ सच में हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। क्योंकि ज़्यादातर जिनके पास भी इलेक्ट्रिक स्कूटर कार या बाइक है उसे चार्ज करने के लिए कोयले से बनने वाली बिजली को काम में लेते हैं, या फिर अगर आप चार्जिंग स्टेशन पर देखेंगे तो वहाँ पर डीजल जनरेटर को काम में लिया जा रहा है। ऐसे में जो पोल्यूशन कंट्रोल की बात है ये कहीं भी सच साबित होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी को हम कहीं ना कहीं काम में लेंगे तभी हम जो यहाँ पर बात करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल की, ये पॉसिबल हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ में मेरे पास यहाँ पर ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसको हम सोलर सिस्टम की मदद से चार्ज करके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आप सभी से निवेदन है वीडियो पूरा देखें। फर्स्ट, यदि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को सोलर एनर्जी की मदद से चार्ज करना चाहते हैं तो दो चीज़ों का आपको पहले ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, यहाँ पर जो भी आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, तो मेरे पास यहाँ पर जो ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसकी बैटरी कैपेसिटी 3.97 किलो वाट आवर है। अगर आपकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो आपको एम्पियर आवर में बता रखी है तो भी आप उसका जो भी वोल्टेज है उसे मल्टीप्लाई करके ये चीज़ पता कर सकते हैं, या फिर एम्पियर के अंदर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि आपके जो चार्जर है इसका पावर कंजप्शन कितना है, तो ये चीज़ जो होती है वो आपको चार्जर के ऊपर जो टेक्निकल डिटेल्स मिलती है इसके अंदर मेंशन की हुई होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो ओला का यहाँ पर चार्जर है इसके ऊपर बता रखा है यहाँ पर जो चार्जिंग करंट है वो 5 एम्पियर का है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहले कि आपका जो चार्जर का कंजप्शन कितना है और बैटरी कैपेसिटी कितना है, तो ये दोनों चीज़ें हमें पता है। अब इसके बाद में हम इसके हिसाब से ही जो हमारा सोलर सिस्टम है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आपको कौन से टाइप का सोलर सिस्टम यहाँ पर खरीदना चाहिए। मार्केट में आपको दो टाइप के सोलर सिस्टम देखने को मिलते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। यदि आप ऐसी किसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बिजली की कटौती की समस्या बहुत ही कम होती है तो आप वहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा के बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं और जो भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल से उन्हें चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन आप रिमोट एरियाज में रहते हैं जैसे गाँवों में और वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करना चाहते हैं तो आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम खरीद सकते हैं। यहाँ पर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बारे में हमने ऑलरेडी जानकारी दे रखी है तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और साथ में आपको अगर बेसिक बताऊँ तो ऑन ग्रिड के अंदर बैटरी नहीं होती है, जो भी आप बिजली बनाते हैं वो आप गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट से बिजली लेके जो भी आपके अप्लाइंसेस हैं उन्हें चलाते हैं। वहीं ऑफ ग्रिड के केस में आपको कोई भी बाहर की बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप खुद की बिजली बनाते हैं, अपनी बैटरीज में स्टोर करते हैं और जब भी आपको ज़रूरत होती है आप उन्हें काम में लेते हैं। तो ये दोनों टाइप के यहाँ पे सोलर सिस्टम होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं यदि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए या फिर यहाँ पर जो बिजली का बिल है इसे कम करने के लिए, तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डेली पावर कंजप्शन कितना है। इसके लिए आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ होता है कि डेली आपका पावर कंजप्शन कितना हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं। एग्जाम्पल से इसे समझे तो 1 किलोवाट सोलर पैनल 4 यूनिट आपको डेली जनरेशन करके देता है। अब यहाँ पर आपका अगर डेली पावर कंजप्शन या फिर रिक्वायरमेंट 12 यूनिट की है तो ऐसे केस में आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना होगा जिससे आपका जो बिजली का बिल है उसे आप ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं और साथ में अपने जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन्हें चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, तो यहाँ पर सोलर पैनल के साथ में हमें इन्वर्टर और बैटरी की भी कैपेसिटी का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम इन्वर्टर या फिर सोलर पीसीयू के बारे में। मेरे पास यहाँ पर जो सोलर पीसीयू है वो ईस्टमैन कंपनी का 2.5 केवीए सोलर पीसीयू है जिसके ऊपर मैक्सिमम 6.8 एम्पियर तक हम लोड चला सकते हैं। और मेरा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसके जो चार्जर का पावर कंजप्शन है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का है। यानी टेक्निकली बोले तो यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसे मैं बड़ी आसानी से जो मेरा सोलर पीसीयू है इसके ऊपर चार्ज कर सकता हूँ। इसके बाद बात करें बैटरी की, तो मेरे पास ईस्टमैन कंपनी की 200Ah की 2 सोलर बैटरी है। अब यहाँ पर बैटरी की कैलकुलेशन की हम बात करें तो 200Ah की बैटरी को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें जो इसकी कैपेसिटी है वो पता चल जाएगी है। तो यहाँ पर जो बैटरी मेरे पास है इसकी कैपेसिटी है 2400 वाट। अब 2 बैटरी है तो टोटल कैपेसिटी होगी 48 वाट, लेकिन जो हमारी बैटरी होती है इसकी एफिशिएंसी 70% ही होती है। यानी ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम पावर मिलेगा वो 3300 से लगा के 3500 वाट तक ही होगा।
अब यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या हमारे सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज हो पाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो कनेक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है, साथ में मैंने यहाँ पर जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसे बैक साइड में कनेक्ट कर दिया है और जो हमारा सोलर पीसीयू है इसे ग्रिड से कनेक्ट नहीं किया है। अब यहाँ पर बारी है चार्जिंग की, तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का चार्जर है उसे मैं एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद ट्राई करेंगे क्या ये हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर पाएगा या फिर नहीं। अब इसे कनेक्ट करते हैं यहाँ पर बैक साइड में। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बीप का साउंड आपको सुनाई दिया है और यहाँ पर जो चार्जिंग है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर पूरी जानकारी कैसे आप अपने जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक को सोलर सिस्टम की मदद से चार्ज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो भी प्रोडक्ट आपको दिखाएं वो ईस्टमैन कंपनी के हैं। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रही है इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसके बाद में सही सोलर सिस्टम अपने घर के लिए इंस्टॉल करा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।